जिला पुलिस प्रशासन के लाख प्रयासों के बावजूद भी जिले भर में सूदखोरों का आतंक बरकरार है। ब्याज पर ली गई रकम लौटाने के बाद भी सूदखोर रकम मांग रहे हैं, साथ ही किसान के खेत पर निगाह गड़ाए हुए हैं। परिजन कप्तान की शरण पहुंचे हैं। बरेली के तहसील बहेड़ी के थाना देवरनिया में किसान परिवार छेदालाल उपाध्याय पुत्र राम स्वरूप ग्राम दमखोदा ने SSP रोहित सिंह सजवान के दरबार पहुंचकर सूदखोर के आतंक से मुक्ति दिलाने की गुहार लगाई। पीड़ित का आरोप है कि उसने गांव के ही एक दबंग व्यक्ति से मां के इलाज के लिए कुछ रुपए ब्याज पर लिए थे, जिसको तय समय के अनुसार ब्याज के रुपए वापस कर दिए गए, लेकिन दबंग ने इसके बावजूद भी पूरी रकम मांगने पर अड़ा हुआ है। हमने 18 में 1 जनवरी 2018 को किसी से 1 लाख चित्रेश कुमार से 1,90,000 रुपया लिया था। पारिवारिक परेशानी, बच्चों की फीस के लिए और माता जी को तकलीफ थी उसी समय, तो हमने उनका 1,96,000 वापस कर दिया है। फिर भी वो हमसे वो कह रहे हैं कि 5 लाख रुपया और दो, नहीं तो हम तुम्हारी ज़मीन पर कब्जा कर लेंगे, और हमें तरह तरह से धमकाते हैं, दबाव बनाते हैं, जब पैसा वापस दो हमें 5 लाख। पीड़ित ने अपनी जुबानी बताया कि उसने गांव के ही चित्रेश कुमार पुत्र अयोध्या प्रसाद से 1,90,000 रुपए 10 जनवरी 2018 को लिए थे। इसके बावजूद उसने ब्याज के 1,96,000 रुपए वापस कर दिए, लेकिन सूदखोर दबंग किस्म का व्यक्ति है, उसने उसकी जमीन और खेत पर अपनी निगाह बढ़ा रखी है और उसको मुक्त करने के लिए वह 5 लाख की मांग और कर रहा है, जिसको लेकर परिवार दहशत में है। पीड़ित परिवार ने SSP रोहित सिंह सजवान से सूदखोर से मुक्ति दिलाने की गुहार लगाई है। जिले में पुलिस प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे मुक्ति अभियान के तहत दबंगों पर काबू नहीं हो पा रहा है। बताते चले कि कमजोर गरीब लोगों को ब्याज पर रकम देने वाले सूदखोर अपनी मनमानी कर रहे हैं। जमीन कोई नहीं, बोले ऐसा है कि अगर आप मार्च तक हमें पैसे नहीं दे पाए तो हम तुम्हारी 10 बीघा ज़मीन जोतेंगे, लेकिन हमने कहा जब तक हम पैसा ना दें तो मतलब आप अगर हम ना दें तो आप ऐसा करोगे। हमने फिर उन्हें 1,96,000 रुपया वापस कर दिया, जो बैंक के द्वारा बैंक के खाते में उनके खाते में डाला है। हम पहली क्योंकि वो राजनीतिक और दबंग आदमी हैं, इसलिए थाने में नहीं कि शायद दबा जाए बात, इसलिए यहाँ पर सीधे SSP ऑफिस में आए हैं।